नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। इफ़ यू आर न्यू हेयर, माई सेल्फ राजेंद्र कसाना, फाइनल ईयर मेडिकल स्टूडेंट फ्रॉम रशिया। और इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि अगर आप रशियन ट्रिप की प्लानिंग कर रहे हो या फिर आप एक न्यू स्टूडेंट हो जो रशिया में पढ़ाई के लिए आना चाहते हो, तो आपको ये जो बेसिक वर्ड्स हैं रशियन के वो आने चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे बेसिक रशियन वर्ड्स जो आपको नॉर्मली कन्वर्सेशन करने के लिए सीखना जरूरी है रशिया आने से पहले। साथ ही इस वीडियो में, क्योंकि रशिया में है जो नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, यहाँ पे हर लोगों को इंग्लिश नहीं आती है, मैक्सिमम लोग रशियन में ही बात करते हैं और पढ़ाई चाहे बेसिक इंग्लिश में होती हो, लेकिन यहाँ पे जो लोकल लोग हैं वो रशियन में ही बात करते हैं। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है आने से पहले, और हमें कुछ बेसिक वर्ड्स हैं वो सीखने हैं। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि आज ही मैंने 10K सब्सक्राइबर कंप्लीट किए हैं अपने चैनल पे, तो उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक अगर आपने भी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो जाओ और अभी सब्सक्राइब करो, और फिर हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हाँ, वीडियो के एंड में मैं दो मैजिक वर्ड बताऊंगा जो आपको यहाँ आने से पहले वो जानने हैं, वो वर्ड जानने हैं, और उन वर्ड्स के पीछे क्या कहानी है वो भी आपको जाननी है। सो वीडियो को एंड तक देखना, एंड में मैं वो दो मैजिक वर्ड क्या है और उनकी कहानी क्या है वो बताऊंगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट। पहला वर्ड बोलेंगे हम हेलो। हेलो को बोलते हैं रशियन में द्रास्त्वीचे, द्रास्त्वीचे, द्रास्त्वीचे। द्रास्त्वीचे का मतलब होता है हेलो। ये हो गया फॉर्मल वे में। अगर दोस्त पुराना है या हमारी दोस्ती उससे पुरानी हो चुकी है, तो हम उसको इनफॉर्मल वे में बोलेंगे हाय। तो हाय को हम कहेंगे प्रीवियत, प्रीवियत। ये हो गया हेलो और हाय। नेक्स्ट हम अगर उससे पूछते हैं जैसे कक वाज जवूत, व्हाट इज योर नेम, कक वाज जवूत, कक वाज जवूत, कि तुम्हारा नाम क्या है, फिर वो अपना नाम बताएगा कि मेरा नाम राजेंद्र है, मैन्या जवूत राजेंद्र, मैन्या जवूत राजेंद्र, कि मेरा नाम राजेंद्र है। ठीक है, फिर उसके बाद हम जैसे पूछेंगे कि तुम कैसे हो, अगर इसको बोलेंगे तो ये बोलेंगे हम कक वाज दिला, कक वाज दिला, मतलब कि हाउ आर यू, कि तुम कैसे हो, कक वस्तेला। फिर वो बताएगा कि कैसा है, तो वो एक्सप्लेन करेगा कि बुरा है कि ठीक है कि अच्छा, मतलब कि एक्सीलेंट है। तो वो ऐसे कहेगा, मान लो कि या नर्मालना, या फिर यह कहेगा या खरशो। इसका मतलब तो हो गया कि वो बोलेगा कि नर्मालना का मीन्स नॉर्मल, नर्मालना नॉर्मल, वो कहेगा खरशो मीन्स गुड, खरशो मीन्स गुड। अगर मान लो उसकी कंडीशन खराब है, यानी कि तबीयत तबीयत उसकी खराब हो रही है, तो वो कहेगा कि प्लोखा, प्लोखा, प्लोखा मीन्स बैड, प्लोखा। और मान लो वो एकदम अच्छा है, एकदम एनर्जेटिक है, तो वो आते बोलेगा अतलीचना, यानी कि एक्सीलेंट, तो वो बोलेगा अतलीचना एक्सीलेंट। फिर आगे बढ़ते हैं, उसमें बोलेगा जैसे मान लो अगर उसको बोलना है कि थैंक यू, आपने जैसे पूछा उसको कि कैसे हो, तो वो बोलेगा कि खरशो स्पसीबा, यानी कि मैं अच्छा हूँ, धन्यवाद। थैंक यू को बोलते हैं स्पसीबा, स्पसीबा, यानी कि धन्यवाद। फिर हम आगे बढ़ते हैं, जैसे गुड मॉर्निंग को क्या कहते हैं रशियन में, गुड मॉर्निंग, दोबरी उत्रो, दोबरी उत्रो, गुड मॉर्निंग। ये हो गया गुड मॉर्निंग। फिर आते हैं गुड आफ्टरनून पे, दोबरी देन, दोबरी देन, ये होता है गुड आफ्टरनून। फिर आते हैं गुड इवनिंग पे, दोबरी वेचर, दोबरी वेचर,
ये होता है गुड इवनिंग। फिर आते हैं गुड नाइट पे, दोबरी नोच, दोबरी नोच, ये होता है गुड नाइट। ठीक, लेकिन ये गुड नाइट तक तो हमें बाद में जाना है, उससे पहले ही और भी जैसे वर्ड्स हैं वो हमें सीखने हैं। जैसे मान लो आप आए हो घूमने, आपको खाना है कोई स्ट्रीट फूड, तो स्ट्रीट फूड खाने के लिए आप जाओगे शोरमा शॉप पे। यहाँ पे स्ट्रीट फूड में फेमस होती है शोरमा शॉप। स्ट्रीट फूड पे आपको हर जगह शोरमा शॉप मिल जाएगी, हर 200-500 मीटर पे शोरमा शॉप मिलेगी। तो शोरमा शॉप पे जाओगे तो आपको बोलना है वहाँ पे कि मुझे शोरमा चाहिए, मन्ने नादा शोरमा, आई नीड शोरमा। मन्ने मतलब कि मुझे, नादा मीन्स चाहिए, शोरमा यानी शोरमा। शोरमा होता है एक इस तरीके का, तो ये होता है शोरमा। तो आप कहोगे कि मन्ने नादा शोरमा, मुझे शोरमा चाहिए। अब जो शोरमा बनाने वाला है वो आपसे सवाल कर सकता है यहाँ पे कि आपको कौन सा शोरमा चाहिए, तो वो पूछेगा कि चिकन के साथ चाहिए या फिर वेजिटेरियन चाहिए। तो अगर वो ऐसे कहेगा कि चिकन के साथ चाहिए, तो वो बोलेगा आपको सेकुरिचा इली वेजिटेरियंस की। सेकुरिचा मतलब विद चिकन या फिर वेजिटेरियन, सेकुरिचा विद चिकन, सेकुरिचा विद चिकन, इली, इली का मतलब होता है या फिर वेजिटेरियंस की, वेजिटेरियंस की मतलब वेजिटेरियन, वेजिटेरियंस की मतलब वेजिटेरियन। तो आप ऐसे उसको बोलोगे, अगर आपको वेजिटेरियन खाना है तो आप बोल दोगे वेजिटेरियंस की, आपको अगर चिकन वाला खाना है तो आप बोल दोगे सेकुरिचा। ये हो गया यहाँ तक की कहानी। फिर आगे बढ़ते हैं, जैसे आप उसको पेमेंट करोगे शोरमा शॉप पे, तो वो बोलोगे अप्लातित काक, हाउ यू विल पे, अप्लातित काक, हाउ यू विल पे। शोरमा शॉप वाला आपसे पूछेगा, तो फिर वो पूछेगा कि कैसे पे करोगे अप्लातित काक। फिर आपको इसके जस्ट वो नेक्स्ट सवाल करेगा कि पाकार्ता बाई कार्ड, पाकार्ता बाई कार्ड, यानी कि कार्ड से करोगे पाकार्ता बाई कार्ड, या फिर ना लिचनीय कैश करोगे, ना लिचनीय कैश करोगे। तो ये चीजें आपको जानना जरूरी है कि आप पे कैसे करोगे, कार्ड से करोगे कि कैश में करोगे। तो ये सारे वर्ड्स आपको आने चाहिए। और जैसे ही शोरमा का पेमेंट भी हो गया, शोरमा भी हो गया, उसके बाद आपने खा भी लिया और वहां से निकलने लगोगे, तो आप बोलोगे दसवीं धानिया, दसवीं धानिया, दसवीं धानिया का मतलब होता है गुड बाय, अलविदा, दसवीं धानिया। तो ये हो गए सम बेसिक वर्ड्स जो अगर आप आ रहे हो रशिया में तो आपको आने चाहिए। और कोई जैसे मान लो कई लोग आपको मिल सकते हैं जिनको इंग्लिश आती होगी, मे भी नहीं आती होगी, अगर वो पूछेंगे तो कई लोग आप पूछ सकते हैं ऐसे, वी गवारिच पा इंग्लिश की, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि वी गवारिच पा रूस की। ये वर्ड आपको बहुत सुनने को मिलेगा अगर आप पहली बार आ रहे हो, वी गवारिच पा रूस की, मतलब कि आपको रशियन बोलना आती है, वी गवारिच पा रूस की। अब अगर आपको आती होगी तो आप बोल दोगे दा, दा का मतलब होता है यस। अगर आपको नहीं आती होगी तो आप कह दोगे नियत, नियत का मतलब होता है नो। ठीक है, वो पूछेगा आपसे कि वी गवारिच पारुष्की, डू यू स्पीक रशियन, अगर तुम्हें आती है तो कह दोगे यस मीन्स दा, दा, अगर नहीं आती तो कह दोगे नियत, नियत यानी कि नहीं आती। फिर आप उससे पूछ सकते हो कि उसको इंग्लिश आती है क्या, तो आप पूछोगे वी गवारिच पा इंग्लिश की, वी गवारिच पा इंग्लिश की, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो वी जनायत पा रूस की, सॉरी
वी जनाइच प इंग्लिश की, आप उससे पूछ सकते हो कि आपको इंग्लिश आती है क्या। लेकिन अगर उसको आती होगी तो आप उससे डायरेक्ट इंग्लिश में भी पूछ सकते हो, डू यू स्पीक इंग्लिश। ऐसे तो ये बेसिक वर्ड्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं। ये जितने भी वर्ड्स मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं, ये सारे वर्ड्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक साइड रशियन में लिखे होंगे, एक साइड इंग्लिश में लिखे होंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय। नहीं, वो जो दो मैजिक वर्ड थे वो सुन के जाओ। वो दो मैजिक वर्ड ये थे, पहला तो था गर्ल, गर्ल को बोलते हैं देवुष्का, देवुष्का रशियन में। दूसरा था मौसम, मौसम को बोलते हैं पगोदा, पगोदा। तो ये पगोदा की बात इसलिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि आज तो है वोसिमनाथ सत, सुबह हो जाएगा वोसिम, कोई पता नहीं रहता इसका। या फिर ऐसे है, मान लो अभी है वोसिम और सुबह हो जाएगा माइनस वोसिमनाथ सत। वोसिम का मतलब होता है 8, वोसिम, और वोसिमनाथ सत का मतलब होता है 18, और माइनस वोसिमनाथ सत का मतलब होता है -18। तो आज 8 डिग्री टेम्परेचर है, कल -18 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा, पता ही नहीं लगेगा। इन दो चीजों का विशेषतर ध्यान रखना है। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू।